Dear student, today we will study of chapter number 14. The book name is Vidya Decent English Grammar and Composition. Let's start chapter number 14. The name of chapter number 14 is Non-Finite, Infinitive and Gerund. इसमें दो चीजें दी गई हैं, लेकिन मैं अलग से मैंने आपका यहाँ पर write कर दिया है double parts of speech. तो double parts of speech मैंने क्यों लिख दिया? वो वजह क्या है? नॉन फाइनाइट का ही दूसरा नाम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच है. अब बात करेंगे नॉन फाइनाइट क्यों कहते हैं. तो नॉन फाइनाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब होने के बाद भी फाइनाइट का काम नहीं करती. फाइनाइट का मतलब मेन वर्ब, मुख्य क्रिया. फाइनाइट हैं, मेन वर्ब हैं, लेकिन उनको कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि अब मेन वर्ब ना बनकर या किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में काम करती हैं. नाउन का काम करती हैं, एडजेक्टिव का काम करती हैं. अच्छा, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या मतलब है? डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी यही मतलब है कि वो वर्ब होने के साथ साथ दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे नाउन और एडजेक्टिव का भी काम करते हैं. इसमें तीन चीजें आती हैं. एक होता है इन्फिनिटिव, दूसरा होता है जीरंड, तीसरा होता है पार्टिसिपल. अब देखेंगे इन्फिनिटिव क्या होता है. तो इन्फिनिटिव सिंपल सी बात है, वर्ब के पहले टू लगना ये इन्फिनिटिव कहलाता है. मान लीजिए गो है और मैं यहां टू गो लिख दूं तो ये इन्फिनिटिव कहलाएगा. अब इसका मतलब क्या हुआ, क्यों लगाएंगे हम इसको, तो हम समझ लेंगे. ना, ने, नी, ये शब्द जो है, जब इनका सेंस इंग्लिश में हमें निकालना हो, ट्रांसलेट करना हो, तब हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी. इसको हम नाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं. वर्ब होने के बाद भी हम इनको वर्ब के रूप में यूज नहीं कर रहे, इसीलिए नॉन फाइनाइट हो गए. अब हम इसको नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग यहां लिखा है स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ. सेंटेंस दिया है टू स्मोक इज इंजीरियस फॉर हेल्थ. अब इसका मतलब यहां पर हो जाता है टू स्मोक से स्मोक करना, धूम्रपान करना. तो यहां पर हम धूम्रपान करने से, अब जैसे यहां पर लास्ट में क्या आ रहा है, ना, धूम्रपान करना इज इंजीरियस फॉर हेल्थ. स्वास्थ्य के लिए धूम्रपान करना हानिकारक होता है. तो इस तरह से टू लगाने से उसका सेंस बदल जाता है. अब जीरंड क्या होता है, इसमें वर्ब के बाद में आईएनजी लगती है. आईएनजी तभी लगेगी जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी. कोई और सी फॉर्म, सेकेंड, थर्ड, इनमें कभी भी आईएनजी या कुछ नहीं जुड़ता है. एग्जाम्पल देखेंगे, स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ. यहां पर भी वही मतलब है, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. अब देखने से पता लगता है कि टू लगा लिया है तो भी वही सेंस निकला है ना का, और स्मोकिंग आईएनजी लगा लिया है तो भी वही अर्थ निकला है. वाकई अर्थ तो वही निकला है, लेकिन दोनों के नाम में अंतर हो गया है. टू लगाने से हमारा इंफिनिटिव कहलाता है और वही हम आईएनजी लगा लेते हैं और उसका अर्थ ना, ने, नी आता है और नाउन के रूप में ये काम कर रहा होता है, तो ये जीरंड कहलाता है. तीसरी चीज आती है पार्टिसिपल. देर आर थ्री काइंड ऑफ द पार्टिसिपल. पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं. नंबर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर टू पास्ट पार्टिसिपल, नंबर थ्री परफेक्ट पार्टिसिपल. कई बार गलती क्या करते हैं हम लोग कि प्रेजेंट पास्ट देखा तो हमें लगा तीसरा जो पार्टिसिपल होगा वो फ्यूचर पार्टिसिपल होगा. गलत बात है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है. प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो टेंस है, लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं पार्टिसिपल की तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं.
प्रेजेंट पार्टिसिपल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, जैसे कि हमारा जीरण बनता है। लेकिन कहां पर इन दोनों में एक अंतर ये रहता है, ये नाम की तरह काम करता है और ये एडजेक्टिव का काम करता है। दोनों में एक सेंटेंस में बता के दिखा दे रहा हूं। स्मोकिंग इंजीरियस फॉर हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें क्या होगा, कर करके ही शब्द आएगा, वहां ना ने नी शब्द आ रहे हैं, यहां कर करके ही शब्द आते हैं। शेर को देखकर वह डर गया, शेर को देखकर या शेर को देखते ही वह डर गया। अच्छा, इसमें पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल में एक काम हो जाता है और वो खत्म होने के बाद दूसरा काम फिर शुरू हो जाता है, तो ऐसे उसको थर्ड फॉर्म से वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करके उनको ट्रांसलेट कर दिया जाता है। जैसे खाना खाकर मैं बाजार गया, थर्ड आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में एक काम पहले हो गया होता है फिर दूसरा काम बाद में होता है, जैसे पास्ट पार्टिसिपल में, लेकिन इसमें क्या है, फिर बीच में गैप रहता है। यहां पर एक काम हो गया पूरी तरह, फिर स्पेस है, फिर उसके बाद दूसरा काम है। हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट टू होम, उसने पहले अपना काम कंप्लीट कर लिया होगा, उसके बाद ऐसा नहीं काम किया और तुरंत भाग गया, नहीं, कुछ ना कुछ उसने समय लिया होगा, अपनी बुक्स बैग में रखी होंगी या कुछ भी किया होगा या फिर जूते पहने होंगे और उसके बाद में फिर वहां पर गया होगा। तो इस तरह से ये जो है तीनों पार्टिसिपल हुए, लेकिन इनका प्रयोग अगले चैप्टर में अच्छे से आएगा। पार्टिसिपल आपके नेक्स्ट चैप्टर में है, उनको हम डिटेल से वहां बताएंगे। अभी हम जा रहे हैं डिटेल से बताने इन्फिनिटिव और जीरण को। इन्फिनिटिव के बारे में पहले ही बता चुके हैं, अब बताएंगे इसके काइंड्स कितने होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इन्फिनिटिव, दो प्रकार के काइंड्स होते हैं इनके। एक तो होता है सिंपल इन्फिनिटिव, जिसमें सिंपली हम टू ऐड कर देते हैं और वो बन जाता है हमारा इन्फिनिटिव किसी वर्ब में। लेकिन दूसरा होता है हमारा क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव, इसे हम जीरेंडियल इन्फिनिटिव भी कहते हैं, इसमें भी टू करते हैं। लेकिन ये क्या है, यहां पर देखिए, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है। सिंपल, टू वर्क इज टू वर्शिप, यहां पर देखिए टू वर्क ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। वहीं अगर हम इसकी बात करें टू वर्शिप, माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू सिंग, मेरा फ्रेंड गाना चाहता है, किस रूप में है टू सिंग, यहां पर एज एज एन ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। शुरू में होता है तो वो सब्जेक्ट है और बाद में है तो वो ऑब्जेक्ट होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट्स होगा। समटाइम्स सेंटेंसेस कैन बी रिटन इन टू वेज, कभी कभी दो तरह से भी सेंटेंस लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल ये देखते हैं, टू लिव विदाउट ईयर इज इम्पॉसिबल, यहां सिंपली इस तरह से लिख दिया गया है, बिना हवा के रहना असंभव है। यहां लिखा है इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट ईयर, यहां को इसको बीच में ले आए हैं, कहां से शुरू कर दिया है, यहां पर इट लगा लिया है, इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट ईयर। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, कुछ सेंटेंस ऐसे भी डबल तरह से लिखे जा सकते हैं। क्वालिफाइंग या जीरेंडियल इंफिनिटिव को हम समझेंगे, इनमें क्या होता है, थोड़ी सी बात समझने की है। दे गेव द चाइल्ड एन एप्पल टू ईट, इस सेंटेंस को देखें, टू ईट को टू लगा हुआ है, उससे आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें समझ में आ गया ये इंफिनिटिव है। लेकिन इससे पहले ये कुछ ना कुछ इस चीज को लेकर चल रहा है साथ में, एन एप्पल को। तो ये जब इस तरह से कोई नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नाउन का काम वहां तो कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ नाउन के साथ होने के साथ साथ एप्पल की भी विशेषता बता रहा है। कैसे, इसकी खास बात है, इस तरह का नाउन इसके बिल्कुल पहले रखा होगा। वी ईट टू लिव, हम खाते हैं रहने के लिए, यहां किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईट को कर रहा है। तो ये ईट बिल्कुल पास में है, इसके पास में जो वर्ड आया है उससे पता लग रहा है कि ये जीरेंडियल या आपका क्वालिफाइंग इंफिनिटिव है। हालांकि ज्यादा इसको सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको समझते हैं, द इंफिनिटिव विदाउट टू, कभी कभी ऐसा होता है कि टू लगता नहीं है फिर भी इंफिनिटिव का काम करता है, ना ने नी का अर्थ निकालता है, इसे हम कहते हैं वेयर इंफिनिटिव। देखेंगे कहां कहां पर नहीं लगता है। इट इज नॉट यूज टू आफ्टर वर्ब्स विद लेट मेक सी हियर नी टेयर,
ये जो वर्ब्स दी गई हैं विट लेट मेक सी हियर रीड डेयर, इनके बाद जो भी अगर इंफिनिटिव बनाना है तो वो बिना टू के इंफिनिटिव बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आई बिड हिम टू इट, तो बिड के बाद, बिड यहां पर दिया गया है, बिड के बाद अगर हमें इसको टू को इंफिनिटिव करना है तो करने इससे पहले नियम के अनुसार टू लगना चाहिए। ऐसे होता आई बिड हिम टू डू इट, लेकिन बिड होने की वजह से हमें वहां पर टू की जरूरत नहीं है, हम नहीं लगाएंगे। लेट हिम प्ले होना चाहिए, लेट हिम टू प्ले, उसे खेलने दो, खेलने ने आ रहा है तो यहां पर टू होना चाहिए, लेकिन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां लेट है, हम बिना टू के ही उसका सेंस वैसे ही निकाल लेंगे। जीरण, स्मोकिंग इज हार्मफुल, देखेंगे, देखिए यहां पर स्मोकिंग, स्मोक में आई एन जी जुड़ा हुआ है तो ये स्मोकिंग हो जाता है। स्मोकिंग इज हार्मफुल, इसका अर्थ वैसे ही है जैसे कि इंफिनिटिव का होता है, टू स्मोक इज हार्मफुल, पहले भी हमने इसको बता चुके हैं। आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है, या मैं तैरना पसंद करती हूं, तैरना ना इसमें भी आ रहा है, यहां ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहां सब्जेक्ट काम कर रहा है, लेकिन आगे हम देखते हैं क्या होता है। वी डिसलाइक हिज कमिंग लेट इन मीटिंग, एक एग्जाम्पल हमारा ये भी है, वी डिसलाइक हिज कमिंग। कभी कभी देखिए पजेसिव वर्ड के बाद हम आई एन जी लगाकर जीरण बना रहे हैं तो ऐसा पजेसिव जीरण कहलाता है। उस कुछ ऐसा भी होता है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद हमेशा जीरण ही लगता है, उनके बाद हम कभी भी इंफिनिटिव का यूज नहीं करेंगे। वो वर्ब्स कौन कौन सी हैं, अवॉइड, डिसलाइक, इंजॉय, हेट, प्रिवेंट, प्रोहिबिटेड, रिमेंबर, स्टॉप, सक्सीड, ये वर्ब्स ऐसी हैं इनके बाद अगर हमें चूज करना है कि ना नी ने की इंग्लिश लगानी है तो हम केवल जीरण लगाएंगे, इन्फिनिटिव का वहां पर विकल्प नहीं है। आप समझ लेंगे, डू नॉट स्टॉप टू रन या रनिंग, यहां पर स्टॉप आया है, स्टॉप हमने यहां पर लिया हुआ है ऑलरेडी, तो स्टॉप के बाद अगर हमें कहीं पर लगाना है तो टू रन भी लिखा है और रनिंग भी लिखा है, दोनों में से वैसे तो हमें यह लगता है जनरली कि हम दोनों लगा लेते हैं, बाकी बहुत सारी जगह पर हम दोनों का यूज कर पाते हैं मोस्टली जगह पर, लेकिन कुछ जगह पर नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर हमने पहले ही बता दिया कि केवल जीरण का यूज करेंगे तो डू नॉट स्टॉप रनिंग हो जाएगा। अगर हम ऐसे लिखते हैं डू नॉट स्टॉप टू रन तो ये गलत हो जाएगा, डू नॉट स्टॉप रनिंग ये ठीक होगा। टू सो पर्पज प्रेपोजिशन फॉर इज यूज, देखो जब हमें पर्पज दिखाना होता है तो फॉर का यूज किया जाता है बिफोर जीरण, जीरण से पहले। जैसे हमें लिखना है वी ईट फॉर लिविंग, हम खाते हैं जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए हम खाते हैं, तो लिविंग से पहले हमने फॉर का यूज कर लिया क्योंकि पर्पज है वहां पर। लेकिन जनरली मैं आपको यह भी बता दूं, जनरली इसको फॉर लगा तो लिया है लेकिन वैसे इसको हम इन्फिनिटिव से पर्पज दिखाने का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जीरण वाले चैप्टर में भी मैंने इन्फिनिटिव का यूज करके भी दिखा दिया है, वी ईट टू लिव, इस तरह से हम दिखाते हैं, लेकिन फिर भी हमें जीरण से करना है तो फॉर लगा लेंगे। अब दूसरी बात आती है टू ज्वाइन सेंटेंसेस, वी ऑल्सो यूज प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस को हम एक जगह और लगाते हैं जब हमें कोई सेंटेंस को जोड़ना हो। टू ज्वाइन सेंटेंसेस वी ऑल्सो यूज प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशंस को हम तब और इस्तेमाल करते हैं जब हमें दो सेंटेंसेस को जोड़ना हो। ये उसी तरह से काम करता है जैसे कि हमारा इन्फिनिटिव काम करता है, जैसे कि जोड़ने के लिए हमारा पार्टिसिपल काम करता है, तो कंजंक्शन के रूप में ये भी काम कर देता है। लेकिन कैसे करता है, जैसे कि हमने ऊपर प्रेपोजिशन लगाया उसी तरह से प्रेपोजिशन जोड़ने के लिए भी लगता है। जैसे कि ये सेंटेंस, दो सेंटेंसेस इसमें, ही प्लेड वेल और ही लॉस्ट द मैच, टू सेंटेंसेस है, दोनों को हमें एक करना है क्योंकि सब्जेक्ट एक ही है, जोड़ सकता है, तो हमने कर लिया है इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग वेल ही लॉस्ट द मैच। दूसरा सेंटेंस है ही कोचेस द स्टूडेंट्स ही अर्न्स मच मनी, वो बच्चों को पढ़ाता है और वो बहुत पैसा कमाता है। दोनों का सेंटेंस जो सब्जेक्ट है वो एक ही है, हम इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं ही अर्न्स मच मनी वाई कोचिंग द स्टूडेंट। तो कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे प्रेपोजिशन लगा लिया
इस जीरण से पहले। एक्सरसाइज वन सॉल्व करनी है। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग अ सूटेबल इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को फिल करना है हमें। ही रिफ्यूज्ड टू डू वर्क। वैसे तो आपकी मर्जी, आप यहाँ पर कुछ भी फिल कर सकते हो, लेकिन जो मुझे लग रहा है मैं वहाँ फिल कर दे रहा हूँ ऑन द स्पॉट जो वर्ड्स मिल जा रहे हैं, और बाकी आप अपने आप से इसमें दूसरे भी चेंज कर सकते हैं। ही प्रोमिस्ड मी टू लेंड मनी। सेकेंड नंबर, द ओल्ड मैन इज अबाउट टू फॉल, गिरने वाला। दे फोर नंबर, बी डिसाइडेड टू गो टू मुंबई। फाइव नंबर, सी फॉरगॉट टू डू हर होमवर्क। सिक्स नंबर, द पुअर मैन कुड नॉट अफोर्ड The boy seemed to be happy. Hari asked me to give my pen. This fruit seems to be sweet. The robber threatened me to kill. Exercise second. Rewrite the following sentences beginning with dummy it. It लगाना है, one has been done for you. एक sentence दिया गया है, जैसे example में है to harm others is wrong. तो इसे ऐसे कर दिया गया है, it is wrong to harm others. First sentence में हम ऐसे ही करेंगे, it is dangerous to get down from the running bus. दूसरा sentence हो जाएगा, it seems impossible to cure the patient. ध्यान रखना है कि जितने भी t हैं उन t को small से कर लेंगे. Third sentence है, it is good for health to exercise. Fourth number sentence करेंगे, it was stupid of them to laugh in the class. It is dangerous to play with fire. सिक्स नंबर, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू रीच द मून. सेवन नंबर, इट इज क्रूअल टू किल इनोसेंट एनिमल्स. एट नंबर, इट इज रॉन्ग टू से सच वर्ड अबाउट हिम. नाइन नंबर, इट इज इनजस्टिस टू फ्रेम सो मैनी चार्जेस अगेंस्ट हिम. नेक्स्ट लास्ट नंबर, इट मे बी हार्मफुल टू वॉक इन द चिली कोल्ड. एक्सरसाइज नंबर थर्ड, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग इन्फिनिटिव एज सोन इन द एग्जाम्पल्स. किस तरह से करना है देख लेंगे. एग्जाम्पल में द मिल्क इज सो स्वीट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक. दूसरे में है द मिल्क इज टू स्वीट टू बी ड्रंक. तो पहले में सो हट गया है, सो की जगह लगा दिया गया है टू. और दूसरा दैट से लेकर कैन नॉट तक इसको हटा दिया गया है. क्या कर दिया गया है, सिंगल ओ वाला टू लगा दिया गया है. तो इसे नीचे करेंगे, ही इज टू यंग टू गो एब्रोड. सेकेंड नंबर सेंटेंस, इट इज टू डिफिकल्ट. सो को हटाएंगे, टू लगाएंगे, टू डिफिकल्ट टू डू इट सिंगल हैंडेड. थ्री नंबर सेंटेंस, दे वर टू इनोसेंट दैट भी हटाएंगे, इनोसेंट के बाद में लगा देंगे नॉट के बाद टू. फिर से देख लेंगे, दे बर टू इनोसेंट नॉट टू डू सच अ क्राइम. फोर नंबर सेंटेंस, दिस टॉपिक इज टू टफ टू बी अंडरस्टूड. This book is too heavy that or it can
नॉट कट हटा देंगे और टू बी कैरीड एवरी डे, फिर से देखेंगे दिस बुक इज टू हैवी टू बी कैरीड एवरी डे, पहली बार में डबल ओ वाला टू लग रहा है, दूसरी बार में सिंगल ओ वाला टू लग रहा है। एग्जाम्पल भी देखना है, दे वर सो काइंड दैट दे कुड हेल्प द पुअर, इसको कैसे चेंज किया है, दे वर काइंड इनफ, सो काइंड की जगह काइंड इनफ कर लिया है, बाकी उसी तरह से है। टू हेल्प द पुअर, दे कुड नॉट, दे कुड हेल्प दिया है तो दे कुड हटा दिया गया है। तो नीचे देखेंगे इसे समझेंगे, शी वॉज गुड इनफ, गुड के बाद इनफ लगा लेंगे, टू सर्व द गेस्ट वेल, ही इज नॉट रिच इनफ, इनफ टू बाई अ कार, यू आर प्राउड इनफ टू टॉक टू योर सबऑर्डिनेट्स। एग्जाम्पल सी है, द पीपल वर शॉक्ड व्हेन दे हर्ड ऑफ द नेचुरल डिजास्टर, इसको कैसे किया है, द पीपल वर शॉक्ड, यहाँ तक तो ऐसे ही है जैसे ये है ऐसे ये है, अब क्या है व्हेन दे हटा दिया गया है और यहाँ हर्ड की जगह टू हियर कर दिया गया है, ऑफ द नेचुरल डिजास्टर, बाकी सारा ठीक है, व्हेन दे हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की है। तो यहाँ हम देखेंगे कैसे होगा, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या नहीं होगी, ये सेंटेंस बताएगा। मिस्टर प्रवीण प्रॉमिस्ड टू अकॉम्पनी मी टू द पिक्चर, अकॉम्पनी से पहले टू जोड़ देंगे। 10 नंबर सेंटेंस, माई मदर एश्योर्ड मी टू बाई मी अ स्वेटर। 11 नंबर, वी होप्ड टू बी सिलेक्टेड इन द कॉम्पिटिशन। 12 नंबर सेंटेंस, आई डिड नॉट नो होम टू थैंक फॉर माई सक्सेस। 13 नंबर होगा, रवि वाज बरीड, हाउ टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक्सरसाइज 4, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाई चेंजिंग द वर्ब इन द ब्रेकेट्स इन टू इन्फिनिटिव और जीरंड, विच एवर इज सुटेबल इन फ्यू सेंटेंसेस बोथ आर पॉसिबल। यहाँ दिया गया है इन्फिनिटिव या जीरंड बनाकर लगाना है जो ब्रेकेट में वर्ब दी गई है उनसे। कभी किसी सेंटेंस में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों भी लग सकती हैं, तो जो उचित रहे वो आप लगाएं। सबसे फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, इसमें हो जाएगा वी होप टू सी आवर मदर नेक्स्ट मंथ। सेकंड हो जाएगा चिल्ड्रन फियर टू गो इन द डार्क। थर्ड नंबर, डू यू रियली इंजॉय स्विमिंग इन द रिवर। आई डोंट लाइक डिस्टर्ब, तो इसमें हो जाएगा टू डिस्टर्ब। थर्ड सेंटेंस जो है उसमें स्विमिंग लगाया है क्योंकि रूल है कि इंजॉय जहां होगा उसके बाद इन्फिनिटिव नहीं आएगा, उसके बाद केवल और केवल जीरंड ही लगाना है। 5 नंबर सेंटेंस, ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी विथ सम मनी। 6 नंबर, द टीचर परमिटेड मी टू सिट इन द क्लास। 7 नंबर, ही रिफ्यूज्ड टू पे द लोन। द स्टूडेंट स्टॉप्ड राइटिंग जस्ट एट 10। राइटिंग ही क्यों लगाया है, क्योंकि स्टॉप ऐसा वर्ड है जिसके बाद केवल और केवल जीरण लगता है, इसलिए इन्फिनिटिव नहीं लगा सकते। 9 नंबर सेंटेंस, ही अटेम्प्ट टू अटैक मी। 10 नंबर, ही कंटिन्यूड मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। आई कन्फेस अब्यूजिंग हिम। 12 नंबर, शी लाइक्स टू रीड नॉवेल्स। 13 नंबर सेंटेंस, शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। 14, आई कांट अफोर्ड टू बाई एन ईयर टिकट फॉर फ्रांस। 15 नंबर, दे विल नॉट स्टॉप लविंग देयर कंट्री। ही रिफ्यूज्ड टू ओबे द ऑर्डर्स। 17 नंबर सेंटेंस, द काउंसिल रोज टू एड्रेस द कोर्ट। 18 नंबर, यू विल हैव सम कॉज टू रिपेंट। 19 नंबर, दे वेंट टू आगरा टू सी द ताज। 20 नंबर, ही स्टार्टेड रनिंग फास्ट टू कैच द ट्रेन। एक्सरसाइज 5, टेक द करेक्ट ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द जीरंडियल इन्फिनिटिव इज यूज्ड टू क्वालिफाई।
तो यहाँ पर अ वर्ब का भी करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, नाउन को भी करता है, इसका मतलब वो सभी को करता है। तो डी ऑप्शन पे टिक कर लेंगे ऑल ऑफ दीज। जीरंड इज, जीरंड क्या है, ये एक वर्बल नाउन होता है, बी ऑप्शन पे टिक करेंगे। विच प्रेपोजिशन इज एडेड टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब टू मेक इन्फिनिटिव, क्या जुड़ के इन्फिनिटिव बनता है, तो टू जुड़ के इन्फिनिटिव बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब कैन बी यूज एज इन्फिनिटिव विदाउट एडिंग टू, किस वर्ब में, फोर्थ नंबर सेंटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब कैन बी यूज एज इन्फिनिटिव विदाउट एडिंग टू। तो यहाँ पर दो दिख रही हैं और पता नहीं इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ही बिड के बाद भी टू नहीं लगाया जाता है और हियर के बाद भी टू नहीं लगाया जाता है, तो या तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, एक ऑप्शन होना चाहिए, या फिर कहीं समझने में दिक्कत है। नंबर फाइव, फाइव सेंटेंस, आई लाइक रीडिंग, तो इसमें ये रीडिंग जो शब्द है ये क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि खुदी को कर बुलंद इतना खुदा भी खुद आकर पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो हमें ऐसा बनना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ईश्वर एक दिन कहने लगे बेटा मांग ले तुझसे जो भी मांगना है, मैं तेरे को सब चीज देता हूं। That's all, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले चैप्टर में।